हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का करा रहा हूँ, ठीक है? चलो मेरे साथ ना, सब क्वेश्चन नंबर 13 पे आओगे मेरे साथ। देखना 13th क्वेश्चन। प्रिया प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ बेक्ड फूड्स। द मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विच अक्रू इवनली are incurred in the first process, conversion of raw material into bulk finished goods. Goods are then transferred for finishing, inspection and final packaging to a central warehouse. As the accountant at the manufacturing unit, you are required to report weekly to the head office accountant. Kuch information aapko de rakhi hai, wages, material, production overheads, opening stock de rakha hai, closing stock aapko de rakha hai, theek hai? Chalo. Requirement wagaira sab abhi baad mein dekhte hain. Pehle statement banana shuru karo. स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। अच्छा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले आते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सेकेंड पेज पे देखो, ओपनिंग स्टॉक 800 डजन कार्टन्स दे रखा है। फिर आएगा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। नीचे जो पैराग्राफ है उसकी सेकेंड लाइन पढ़ो। ड्यूरिंग द वीक प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 10,000 डजन कार्टन्स। तो टोटल 10,800 डजन कार्टन्स हो गए। अब देखो 10,000 डजन कार्टन्स के आगे उसने कहा 8,400 डजन कार्टन्स वर पास टू फिनिशिंग। अब सुनना, नोटिस करो कुछ लिखा हुआ है, कौन सा मेथड फॉलो करना है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ ना दे रखा हो तो हमेशा फीफो ही फॉलो होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मुझे बताओ, फीफो में आपने अगले प्रोसेस में 8,400 डजन कार्टन्स ट्रांसफर करे तो सबसे पहले 800 तो जाएंगे ओपनिंग में से और 7,600 जाएंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से, हो गए 8,400। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 900 डजन कार्टन्स दे रखा है। अच्छा नोटिस करो, क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस के बारे में है ना कुछ नहीं लिखा हुआ है। हां, एबनॉर्मल लॉस है, ये मुझे क्वेश्चन की सेकेंड लास्ट लाइन से पता चलता है, बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट मिक्सिंग एंड एबनॉर्मल लॉस टुक प्लेस। लेकिन कितना एबनॉर्मल लॉस है नहीं पता, कोई बात नहीं, टोटल इसका भी 10,800 आना चाहिए। चलो माइनस 800, माइनस 7,600, माइनस 900, 1,500 डजन कार्टन्स का एबनॉर्मल लॉस, ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। चलो अब मुझे यह बताना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे पिछले साल कितना काम हो चुका था? सेकेंड पेज पढ़ो, 75% मटेरियल लग चुका था, 75% लेबर लग चुकी थी और 50% ओवरहेड्स लग चुके हैं। तो 75% मटेरियल लग चुका है, और कितना लगाओगे? 25%। लेबर भी 75% लग चुकी है और लगाओगे 25। ओवरहेड 50 लग चुके हैं और लगाओगे 50। तो 200, 400। अच्छा रही बात इन 7,600 की, तो ये प्रोसेस में आए भी कब इस साल, गए भी कब इस साल? इसका मतलब इन पे तो पूरा काम इसी साल हुआ है 100%। 7,600, 7,600, 7,600। अच्छा अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की बात करूं तो 50% मटेरियल लगाए, 40% लेबर, 40% ओवरहेड्स। तो 450 यूनिट्स पे मटेरियल, 360 और 360। चलो एबनॉर्मल लॉस सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ो, बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट मिक्सिंग एंड एबनॉर्मल लॉस टुक प्लेस ड्यूरिंग द वीक एंड गुड्स वर रिजेक्टेड व्हेन 75% कंप्लीट। तो 75% कंप्लीट थे ये 1,500 डजन कार्टन्स। तो 1,125, 1,125, 1,125। चलो टोटल कर लेते हैं,
9375 यूनिट्स पे तो लगा मटेरियल, 200 + 7600 + 360 1125, 9285 यूनिट्स पे लगी लेबर, और 400 + 7600 + 360 + 1125, 9485 यूनिट्स पे लगे ओवरहेड्स। चलो अब स्टेटमेंट बनाते हैं शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, सिंपल बताना। मुझे बताओ मटेरियल कितने रुपए का लगा? 28125 रुपीस का लगा। अच्छा, कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, मतलब सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, तो सीधे करो डिवाइड बाय 9375 यूनिट्स पे लगा, तो 28125 डिवाइड बाय 9375, 3 रुपीस पर यूनिट। अच्छा, लेबर की अगर बात करें, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर आपकी 18570 लगी, 9285 यूनिट्स पे लगी, तो 2 रुपीस पर यूनिट। और ओवरहेड्स की अगर बात करें, ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड्स 9485 लगे 9485 यूनिट्स पे, तो 1 रुपी पर यूनिट। ठीक है, चलो ये आपके क्या आ गई स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। चलो अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम सबसे पहले वैल्यूएशन किसका करते हैं? फिनिश गुड्स का। मुझे बताओ अगले प्रोसेस में कितने फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुए? 8400 डजन कार्टन्स, कितनी जगह से? दो जगह से। कुछ तो गए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में से, और कुछ गए यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से। ओपनिंग स्टॉक से कितने गए जरा ये बताना मुझे, 800 डजन कार्टन्स तो गए ओपनिंग स्टॉक में से, और 7600 डजन कार्टन्स गए यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से। अब सुनो, जो 800 डजन कार्टन्स ओपनिंग स्टॉक में से गए, उसमें से कुछ काम उन पे तो हुआ था पिछले साल और कुछ काम हुआ था इस साल। ध्यान से मुझे बताओ कि जो 800 डजन कार्टन्स थे ओपनिंग वाले, इन पे पिछले साल कितना काम हुआ था? 75% मटेरियल, 75% लेबर और 50% ओवरहेड्स लगे थे पिछले साल। तो इतना काम करने में कुछ खर्चा भी आया होगा। कितना खर्चा आया? 3000 रुपए का खर्चा आया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस साल क्या क्या काम हुआ है? ये देखो इस साल क्या क्या काम हुआ है ओपनिंग स्टॉक पे। 25% मटेरियल, 25% लेबर, 50% ओवरहेड्स। चलो लगाओ, मटेरियल लगा, लेबर, ओवरहेड्स। एक यूनिट पे मटेरियल 3 रुपए का लगता है, ओपनिंग स्टॉक पे लगाया 25% इंटू 800 यूनिट, तो ये आ गया आपका 600 रुपए का मटेरियल। अच्छा, लेबर एक यूनिट पे 2 रुपए लगाई, 25% इंटू 800, 400 रुपए की लेबर। अच्छा, ओवरहेड एक यूनिट पे 1 रुपए लगाए, 50% इंटू 800, 400 रुपए के ओवरहेड्स, तो टोटल 1400 रुपए लगे इस साल। तो 3000 लगे पिछले साल, 1400 लगे इस साल, तो ओपनिंग स्टॉक 800 डजन को बनाने में 4400 रुपए का खर्चा आया। अब बताओ इन 7600 डजन पे तो सारा काम इसी साल हुआ है, 3 रुपए का मटेरियल लगा, 2 रुपए की लेबर, 1 रुपए के ओवरहेड्स इनटू 7600, तो 45600। तो अगर मैं फिनिश गुड्स की टोटल वैल्यू निकालूं तो ऐड अप कर दो 3000, 4400 और 45600, 50000 रुपए। ये आपके फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा फिनिश गुड्स का केस हो गया। चलो अब करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उसके कितने थे? 900 डजन कार्टन। बताओ क्लोजिंग स्टॉक पे इस साल क्या क्या काम हुआ है? मटेरियल लगाए, लेबर लगी है, ओवरहेड्स लगे हैं। चलो करो, मटेरियल एक यूनिट पे 3 रुपए लगता है, क्लोजिंग स्टॉक पे 50% लगा इंटू 900, 1350 रुपए का मटेरियल। लेबर एक यूनिट पे 2 रुपए लगाई, 40% इंटू 900,
720 रुपए की लेबर ओवरहेड्स एक यूनिट पे एक रुपए लगाए 40% इंटू 900 360 रुपए के ओवरहेड्स, तो 2430 आपका वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। और तीसरा आता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के 1500 डजन कार्टन्स हैं। अब एक बात नोटिस करना, एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन तीनों का सेम है, तो चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। कैसे? एक यूनिट को बनाने में मटेरियल 3, लेबर 2, ओवरहेड्स 1, तो 6 रुपए लगते हैं, लगे 75% इंटू 1500 यूनिट, तो 6 × 75% इंटू 1500 यूनिट 6750 का एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलो ये आपके क्वेश्चन का हो गया थर्ड पार्ट। अब मेरी बात जरा सुनना, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, सबसे लास्ट बनाना क्या था। उसने कहा था प्रिपेयर अ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन द वीक्स प्रोडक्शन फॉर द हेड ऑफिस अकाउंटेंट। मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने को कहा है, तो मेरी एक बात जरा इंपॉर्टेंट बात सुनना। फोर्थ स्टेप वैसे होता था प्रोसेस अकाउंट, अब आपको प्रोसेस अकाउंट की जगह बनाना है फाइनेंशियल रिपोर्ट। प्रोसेस अकाउंट में और फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिफरेंस बस इतना है कि प्रोसेस अकाउंट लेजर फॉर्म में बनता है और रिपोर्ट स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगी। तो समझना, बनाना प्रोसेस अकाउंट भी है बट स्टेटमेंट फॉर्म में। चलो लिखो, फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 कॉलम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कितने डजन कार्टन्स का था? 800 डजन कार्टन्स का। और मुझे बताना पिछले साल तक कितना काम हुआ था? 3000 का। ठीक है, अब लिखो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, बताना कितने डजन कार्टन्स आपने इंट्रोड्यूस करे थे? 10,000 डजन कार्टन्स। क्या क्या लगाया इन पे? मटेरियल 28125 का, लेबर 18570 की, ओवरहेड्स 9485 के। तो बस ये आपकी डेबिट साइड होगी, 10,800 और 3000 प्लस 28125 18570 9485, तो 59180। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे, इसी के नीचे लिखो एबनॉर्मल लॉस 1500 डजन कार्टन्स का, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी 6750। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 900 डजन कार्टन्स का 2430, और ट्रांसफर टू फिनिशिंग 8400 डजन कार्टन्स 50,000 के। 1500, 900, 8400, 10,800, 6750, 2430, 50,000, 59180। ये आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई। ठीक है, चलो कॉस्ट अकाउंट्स के लिए आज इतना है, काफी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो आज कवर करेंगे वो होगा अकाउंट्स का। ठीक है, थैंक यू।